Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. अब चीन में रिलीज होगी श्रीदेवी की फिल्म मॉम, मिला था नेशनल अवार्ड। श्रीदेवी की फिल्म मॉम अब चीन में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली नजर आई थी। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को एक साल पूरा हो चुका है। वहीं श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम को अब इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जा रहा है, यानी कि ये फिल्म आने वाले 22 मार्च को चीन में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ चली थी। इस सुपरहिट फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास कमाई की थी। फिल्म के गंभीर और इमोशनल कंटेंट को काफी पसंद किया गया था। वहीं श्रीदेवी ने हमेशा की तरह इस फिल्म में भी कमाल कर दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें निधन के बाद नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सस्पेंस ड्रामा की कहानी रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित थी। इस फिल्म में श्रीदेवी अपनी बेटी का खोया हुआ आत्मसम्मान रेप के आरोपियों से बदला लेकर वापस दिलाती है। फिल्म की कहानी और निर्देशन तो जबरदस्त ही था, इसकी स्टार कास्ट भी दमदार थी। ऐसे मुद्दों पर कहानियां तो कई कही गई हैं, लेकिन श्रीदेवी की मॉम ने ऑडियंस की खूब तारीफें बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।